मौके से पकड़ दिया गया है और अब इसको लेकर जाया जाएगा। भाई सुन सुन, ओ भाई भाई, ओ भाई, पुलिस लेकर जाएगी, थाने में लेकर जाएगी, टेंशन ना ले प्रशासन ना क्या करे आप ते पास लेकर जाएंगे भाई, पहले पकड़ कर ले आए, लेबर जो काल में मारे जाएगा, सारी कार्रवाई हो गई। चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, कार्रवाई तो नहीं है वो, जिंदा जिंदा बंदा। और वो क्या उस टाइम की, तो बैठ बैठ जाओ, पकड़ लिया जब कार्रवाई तो होगी यार, कार्रवाई क्या होगी, थोड़ी भाग जाएगा कोई यार, हद होगी यार, ये पुलिस वाले ऐसे न जाएंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो बन गई है भाई, 110% कार्रवाई होगी, ऐसा हो सकता है कार्रवाई ना हो, मजदूर आदमी क्या करेगा, पुलिस वाले जाओ। तस्वीरें देख सकते हैं, एक जेसीबी मशीन के माध्यम से एक व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। करनाल के पुरानी सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, काफी देर हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है, और उसका शव यहां पर पड़ा है। अब एम्बुलेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में इसके शव को लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी देर हो गई है, मना कर रहे हैं जी, ये मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, पूरे एक घंटे हो गया जी, बंदे को हम पकड़ के लेके आए पीछे से, प्रशासन खड़ा हुआ, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है जी, सांस थे बंदे के अंदर, बंदे के अंदर सांस थे, उठाए नहीं गए, ये बस्तक था सांस थे इसके अंदर, और एम्बुलेंस भी वापिस जा रही है कि तुम्हारे को लाउड नहीं है डेड बॉडी उठाना, रिक्शा में हॉस्पिटल ले जाते, एम्बुलेंस को क्यों इंतजार करते रहे आप लोग, एम्बुलेंस कहते हैं डेड बॉडी हम नहीं उठा सकते, पुलिस वाले कहते हैं एम्बुलेंस है, सांस चल रही थी, रिक्शा में ले जाते, हमारे को मना किया गया जी, एम्बुलेंस आएगी, पुलिस वाले सिर्फ उसको पकड़ के लेके चले गए, एम्बुलेंस को फोन कर दिया, आ रही है जी, गाड़ी वाले ने नशा किया हुआ है, गाड़ी वाला वो पकड़ा हमने, परंजीत संदीप कोठी के बाहर से पकड़ा है, यही ये मुआ कनाल थे, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस हालांकि लेकर नहीं जा रही थी बॉडी को, क्योंकि डेड बॉडी को लेकर नहीं जाती है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप देख सकते हैं शव वाहन का इंतजार करने से पहले ही बॉडी को लेकर जाया जा रहा है, एम्बुलेंस के माध्यम से बॉडी को लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है, क्यों ले रहे हैं वो, उसको क्यों नहीं सामने लाते, जिन्हें बंदा मारा है उसको बिठा रहे पैर, उसको क्यों नहीं, मैं शिव कुमार शैली नाम है मेरा, श्यामगढ़ का हूँ, और मैं कहता हूँ उसको क्यों नहीं सामने, पकड़ दिया गया है, बताया जा रहा है जिसकी ये जेसीबी मशीन थी उसको पकड़ लिया गया है, अब उसको थाने में लेकर जाया जाएगा, उस व्यक्ति को पकड़ दिया गया है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अब उस व्यक्ति को पकड़ दिया गया है, उसको लेकर जाया जा रहा है थाने में, भैया ये मजदूर आदमी है, हम तो रोड जाम करेंगे, इस बंदे को शामिल ले जाइए, इस बंदे को शामिल ले जाइए, पकड़ दिया तो होगी कार्रवाई भाई, ऐसा काम ना करो रोड जाम वाला, भाई साहब ये हमारा मजदूर आदमी है, कैसे पकड़ दिया यार, लेबर चौक का बंदा, लेबर चौक का बंदा है, मजदूर आदमी पीछे से मारता हुआ आ रहा है, पहले इसने गाय को मारा, फिर इसने बंदे के ऊपर चढ़ा दी, पीछे से मारता हुआ आ रहा है, इसका तो नशा हो गया, अगले परिवार का तो नाश हो गया, बेचारा सुबह आया था दिहाड़ी करने के लिए, अब उसके परिवार को खबर मिलेगी उसके क्या बीते, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार तरीके से गाड़ी चला रहा था, अब आप देख सकते हैं पुलिस इसको लेकर जाएगी, गलत चला रहा था गाड़ी, और इस समय आप देख सकते हैं गाड़ी में इसको बिठा लिया गया है, गाड़ी में इसको बिठा लिया गया है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, भैया सुन कार्रवाई पुलिस ने कर दी है, ठीक है अपने हाथ में कानून ना लो अपने हाथ में, सब पे बच्चा दर्ज होगा, बाबू जी अगर बाबू जी आज बच्चा उसका मर गया है, उसके मौके पर मौके से पकड़ दिया गया है, और अब इसको लेकर जाया जाएगा, भाई सुन सुन, ओ भाई भाई, ओ भाई, पुलिस लेकर जाएगी, थाने में लेकर जाएगी, टेंशन ना ले, प्रशासन ना क्या करे आप ते पास लेकर जाएंगे भाई, पहले पकड़ कर ले आए, सारी बात नहीं का, लेबर जो काल में मारे जाएगा, सारी कार्रवाई हो गई, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, कार्रवाई तो नहीं है वो, जिंदा जिंदा बंदा, और वो कर क्या, उस टाइम की तो कार्रवाई तो होगी यार, कार्रवाई क्या होगी, थोड़ी भाग जाएगा कोई यार, हद होगी यार, ये पुलिस वाले ऐसे न जाएंगे, ओए
नहीं है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो बन गई है भाई, 110% कार्रवाई होगी। ऐसा हो सकता है कार्रवाई ना हो? कार्रवाई ना हो, मजदूर आदमी क्या करेगा? पुलिस वाले हमने, पुलिस वाले हम खड़े हैं ना। वीडियो वीडियो इसकी वीडियो बनी हुई है। चाहते ना बंदा, एक मिनट एक मिनट, चाहते ना बंदा बचत ना हो, एक घंटे मौके से पकड़ा गया है, उसकी मेडिकल भी होगा, कार्रवाई भी होगी। नहीं, बंदा बच जाता उस टाइम पे, पर बचे नहीं है, क्योंकि उस टाइम सांस चल रही थी उसकी, सब कुछ चल रहा था। इन्होंने प्रशासन ने लिया, एम्बुलेंस नहीं मंगाई है, कोई भी कुछ नहीं किया। बुलाया जा सकता था, लोग कह रहे हैं कि सांस चल रही थी, लेकिन समय रहते इसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। सर क्या बताना चाहेंगे, कैसे एक्सीडेंट हुआ? गलती थी इसकी, जेसीबी वाले की, ट्रेन वाले की गलती थी जी। पहले ये पीछे गाय वाले को मार के आ रहा है, तो पहले बस अड्डे पास भी इसने टक्कर मार के आया, तो ये टक्कर इसने अनजान बंद मार के अपना आगे भाग गया था। लोगों ने जाके पकड़ा इसको, आधा बंदा घंटा हो गया जी, एम्बुलेंस भी आई हुई है, अभी तक ना कोई उसको ले जा रही है, पता नहीं उस बंदे में सांस है या नहीं है, ना उसको उठा के जा रही है, पुलिस वाले भी उसको लेके भाग गए जी। एक बेसारा बंदा चला गया। तो सर ये उतार रहे थे उसको, देखो पीट देते हैं उसको, तो वो कैसे पकड़ लिया है? ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ेंगे, वीडियोग्राफी हो चुकी है उसकी। एम्बुलेंस को तो काम है ना, एम्बुलेंस तो ले जा सकती है ना इसको अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, तो कुछ है, एक घंटा हो गया जी ये खड़ी हुई है, डेड बॉडी सड़क के बीच में पड़ी हुई है, एक घंटे तो मेरे को देखते हो गया, डेड बॉडी सड़क के बीच में पड़ी हुई है, देख लो सर। सबसे बड़ी बात है भाई, मेडिकल होगा, अगर नशा कर रखा होगा 110% कार्रवाई होगी। सर इसके ऑनर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इतना बड़ी जो व्हीकल दिया हुआ है एक नशेड़ी आदमी को दे दिया। तो बिल्कुल, अगर इसने नशा कर रखा था तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पुलिस ने उसको पकड़ दिया है, पुलिस ने उसको पकड़ दिया है, लेकिन अभी तक बॉडी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, हालांकि एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, आईओ का इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही देर में आईओ यहाँ पर मौके पर पहुंचेगा और उसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही जेसीबी मशीन है, ये वही जेसीबी मशीन है, अभी भी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं अभी भी स्टार्ट है, और इसी जेसीबी मशीन के माध्यम से उस व्यक्ति को कुचला गया है, बताया जा रहा है, पीछे भी टक्कर मारकर आया था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, बॉडी को हॉस्पिटल के लिए पहुंचाया जाएगा, जांच अधिकारी का शायद इंतजार किया जा रहा है। मौके पर है क्या सर, जांच अधिकारी का इंतजार किया जा रहा है? सर आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं अभी। तो जेसीबी वाले को मौके पे पकड़ दिया? जी पकड़ लिया। नशा कर रखा था कोई? नहीं अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी मेडिकल में ले जा रहा है, जैसे ही मेडिकल में पुष्टि होगी डॉक्टर साहब बताएंगे, वो तो नहीं सर, बाकी ठीक हालत में। उसी ने टक्कर मारी है? अभी तो मौके पे जनता तो बता रही है, बाकी तो नहीं। सर वो फरार हो गया जी? अभी थोड़ा सा कार्रवाई करने दो प्लीज, इसके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी, ठीक है, अभी इसको कार्रवाई होगी। ड्राइवर ने पीसीआर का ड्राइवर ने दारू पी रखी है, गाड़ी में कोई जिम्मेवारी नहीं है, पुलिस खड़ी है, एक घंटे से ऊपर पड़ी होगी लाश को, पर उस टाइम सांस बच सकता था, लेकिन नहीं उठाया गया इसको। समय आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, मौके पर जेसीबी मशीन मौजूद है, अब उस व्यक्ति के शव को हॉस्पिटल में भिजवाया जाएगा, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जेसीबी मशीन अभी भी स्टार्ट है, पुलिस ने उस व्यक्ति को गाड़ी में बिठा लिया, लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस अपनी गाड़ी को लेकर चली जाती है, पुलिस अपनी गाड़ी को लेकर चली जाती है। ये बड़ी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ा हादसा हो जाता है, जेसीबी मशीन ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब गाड़ी को बंद कर दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस मौके पर है, शव को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से जो मजदूर व्यक्ति है, बताया जा रहा है प्रवासी मजदूर है, दिहाड़ी किया करता था, और जेसीबी मशीन वाला इसको कुचल कर भाग जाता है। पुरानी सब्जी मंडी के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आसपास जो मजदूर तबके से जुड़े लोग हैं, वो सभी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर खड़ी है, हैड्रा है, आप देख सकते हैं, हैड्रा मशीन, जेसीबी नहीं है, समझ आऊंगा, हैड्रा मशीन है। हैड्रा मशीन के माध्यम से एक व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये हैड्रा मशीन है जिसके माध्यम से इस व्यक्ति को कुचल दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें करनाल के पुरानी सब्जी मंडी से आप देख सकते हैं। मशीन अभी भी स्टार्ट थी, लेकिन अब जो है उसको बंद किया गया है, लेकिन काफ़ी तेज़ रफ्तार तरीके से
गाड़ी चला रहा था और एक प्रवासी मजदूर को कुचल दिया जाता है। हालांकि मौके से हाइड्रा मशीन के चालक को क्रेन जो थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के जो लोग थे एक गाड़ी में उसको लेकर चले जाते हैं ताकि लोग उस पर हमला ना बोल दें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इसी जगह पर ही एक्सीडेंट होता है। सूचना मिलते ही जो ट्रैफिक पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है। दूसरे पुलिस कर्मचारियों का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा हादसा हो जाता है करनाल के पुरानी सब्जी मंडी के बाहर। ये एक सड़क हादसा हो जाता है, एक हाइड्रा मशीन द्वारा एक व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, व्यक्ति की मौत मौके पर हो जाती है। हाइड्रा वाला भागने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस मौके पर आ जाती है और उसको पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया जाता है जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। नहीं, सरकार को रूल बनाना चाहिए, कोई भी एम्बुलेंस हो सब, यानी किसी का भी है कुछ भी है, यानी कि ढाका हॉस्पिटल में देख के कुछ आना चाहिए, क्या पता उसकी जान ही बच जाए। क्या हादसा हुआ था जान? ये हादसा वैसे ये पीछे से आ रही है, हाइड्रो घंटाघर चौक की तरफ से आ रही है। इसने यानी कि यहाँ पे आके पहले बछड़े को मारा, बछड़े को टक्कर मार के वो बछड़ा तो बच गया, वो साइड में कर दिया। फिर इसने यहाँ पे आगे इस चौक पर तो बंदे के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक, दारू का नशे में था ड्राइवर, दारू का नशे में था। हमने देखा उस वो भाग के यानी कि मशीन में से लिगड़ का भाग रहा था, फिर पब्लिक की मदद से पकड़ लिया, फिर जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। और ये इतने यानी कि ट्रैफिक नहीं, इतना बड़ा व्हीकल है, चलो व्हीकल चलो लिगड़ भी रास्ते का टाइम पर उसको देख कर चलाओ, शराबी आदमी के हाथ में तो ना दो, ड्राइव कोई भी हादसा हो सकता। चलो ये तो यानी कि चलो एक बंदे का कितने बंदे को मारता हो चला जाता है, ये गरीब परिवार से है, ये कल्ला ही अपने घर का कल्ला ही बारिश था जो कमा के अपने परिवार का पेट भर रहा था। ये इसका नाम पता नहीं, वैसे ये बीजने का गाँव बीजने का ये राणा है। अब ये सब्जी मंडी चौक से आ रही है, ये सबने घंटाघर चौक की तरफ से आ रही थी। ये पहले सब्जी मंडी चौक पर इन्हें बछड़े को मारा, इन बछड़े को मार के बछड़ा तो बच गया। पुलिस नहीं, नहीं पुलिस ने भी नहीं उठाया जी, पुलिस तो यानी कि यहाँ पे आ गए और भी यानी कि ड्राइवर को पकड़वा के बिठा लिया, और भी यानी एम्बुलेंस को भी फोन मारा, एम्बुलेंस भी बहुत देर बाद आई तो इसने भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करी, आधे पौने घंटे हो गए एम्बुलेंस को भी आई को भी, ठीक, इसने भी कोई यानी कि थाने का वो नहीं करा। दोबारा हमारे बस की नहीं है ये थाना, दूसरे को उठाएंगे हम, यानी कि दूसरी एम्बुलेंस आएगी वो उठाएगी इसको। शव वाहन का इंतजार किया जा रहा है, शव वाहन मौके पर पहुंचेगा, उसके बाद इसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा। एड्रा के मालिक का नंबर लिखा हुआ है व्हीकल पे, उसको फोन करके ना यहीं बुला लो, आगे पुलिस आ रही है, ओनर ही आ जाएगा इसका एड्रा का। तो बिल्कुल बीजना गाँव का बेचारा रहने वाला बताया जा रहा है, राणा परिवार से है, और किस तरह से आप देख सकते हैं एक दुखद हादसा हो जाता है। मजदूरी मेहनत मजदूरी करने का काम किया करता था लेकिन हाइड्रा मशीन वाले ने बताया जा रहा है कि नशे में उसको टक्कर मार दी और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। शव वाहन का इंतजार किया जा रहा है और शव वाहन मौके पर पहुंचेगा, उसके बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा सकेगा, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। क्या हुआ था भैया? ड्राइवर को वहां से पकड़ के ले आए जी हम। शुरू से बताइए कहां से आ रही थी ये हाइड्रा? इधर से आ रही थी जी, और ये क्रॉसिंग कर रहा था, नशे में दूध था ड्राइवर, और उसने पता क्या किया, पहले तो दोनों पहिए चढ़े जी, फिर तीसरे भी चढ़ा के ना, जब इसने बंदे देखे ना मर गया, वो यहाँ से भाग गया, वहाँ से पीछे से हम पकड़ के लेके आए उसको, हाइड्रा चालक को। भाग गया था ड्राइवर हाइड्रा का? हाँ, हाइड्रा का ड्राइवर यही गाड़ी छोड़ के भाग गया था, वहाँ से पकड़ के ले के आए। प्रशासन पुलिस आई 112 नंबर की, उसने एम्बुलेंस के लिए हमने रिक्वेस्ट की, एम्बुलेंस मंगा दो, बंदा जिंदा है बच जाएगा, नहीं कोई मतलब नहीं, वो गाड़ी में लेके ना सीधा आगे खड़े हो गए जाके, कोई कोशिश नहीं की, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, अब बंदा मर लिया। अब इसके लिए आप बोलो क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करोगे? आप बता रहे थे कहां का रहने वाला है? ये बिजले गांव का नहीं जी, नाम तो नहीं पता। नहीं जी, नाम का मारे को नहीं पता, बिजले गाँव ही तमाशबीन है, एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं, अगर समय रहते उसको ई रिक्शा के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। हर कोई एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा लेकिन उसकी मौत हो गई। दुखद समाचार है, आप देख सकते हैं लोग भी खड़े तमाशा देख रहे हैं, पुलिस को फोन करते हैं, मीडिया को फोन करते हैं, एम्बुलेंस को फोन करते हैं, ये नहीं कि कम से कम ई रिक्शा काफी खड़ी हैं, गाड़ियां यहां से गुजर रही है, उसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।